मैं इसलिए जल्दी आ रहा था कि तुम्हें वेट ना करना पड़े। शिमला लगा, एक बार गाना लगा भाई, मजा आएगा भाई। अब फील करना मौसम को, ऐसे तुम मिले हो। स्मृति को सब लोग बोलते हैं बहुत क्यूट है, क्यूटनेस दिखाना। 1 2 3 टेंटेड इन करना। फीलिंग इन माय बोन्स, आई कैन फील इट इन माय फेस, हैंड्स इन द स्काई, आई कैन फील द विंड्स ऑफ चेंज, यू लिव एंड यू लर्न। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग, आज का जो वीडियो है, बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है, बहुत ज्यादा, से पता चल गया होगा, बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है हमारे लिए। बिकॉज ये व्लॉग जब मैंने मतलब रिकॉर्ड किया था, नॉट शूट किया था, जब रिकॉर्ड किया था तब मुझे नहीं पता था मैं कभी डालूंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार आया, जो हमारा फर्स्ट व्लॉग था, पुराना व्लॉग, उस पर इतना प्यार आया तो हम इस व्लॉग को इसलिए अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो, हाँ मैं बोलूंगी, अगर आप इस व्लॉग में 500 कमेंट करोगे तो हम आपको पूरी स्टोरी आगे की बताएंगे कि कैसे कैसे हम दोनों में वो बॉन्ड बना, जिससे वजह से आज हम एक साथ हैं, चलो शादी करके। अदरवाइज हम सोचेंगे, अदरवाइज हम सोचेंगे। तो 500 कमेंट करना, ये इस व्लॉग का ये चैलेंज लिया हमने, आप लोगों को चैलेंज दिया छोटा सा, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाती है, मोटिवेशन एनर्जी आती है ना। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, सॉरी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप व्लॉग एंजॉय करो। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं, मैं पहले आपको बता दूं यार, आप अपने घरों में खाओ पियो, राजमा चावल खाओ यार, आप दूसरों की जिंदगी में ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, छोड़ो। ये व्लॉग मैं अपनी खुशी के लिए डाल रहा हूँ, मेरे और समृद्धि की खुशी है, मेरे पेरेंट्स की खुशी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये 60 साल का जब मैं होऊंगा ना, मैं और समृद्धि, तो हम ये वीडियोस देखेंगे ना, क्योंकि यूट्यूब तो रहेगा ही रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो मेरे लैपटॉप में तो वीडियोस आएंगे ना, तो ये जब मैं वीडियो देखूंगा ना, तब मुझे लगेगा कि हमने ये जिंदगी जी थी। तो इसलिए हम ये मेमोरीज हमने जो ये रिकॉर्ड किया है, सिर्फ इसीलिए आज हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हमसे, अदरवाइज शायद ही हम कभी शेयर करते, बिकॉज हर व्लॉग तो हमने बनाया भी नहीं है, हमने तो शूट ऐसे ही किया था नॉर्मली, बट वो आज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अदरवाइज इसीलिए हम शेयर कर। अगर हम इस मोटो से हमने अपलोड करना हो तो हम स्टार्टिंग से वही चीजें अपलोड करते, हम शादी से पहले कर लेते, हर बंदा आजकल हर चैनल पे वही हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं, हमारी फर्स्ट एवर बाइक राइड जो 2 साल पहले। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे सही लगा और क्या चीज आपको सबसे बेस्ट लगी। 500 कमेंट याद रखना, लेट्स गो। ऑलराइट, तो आज मैं जा रहा हूँ स्मृति से मिलने, और लास्ट टाइम वाली जो मीटिंग थी वो हमने कार में की थी, आज हम बाइक पे जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने बाइक उसको बताया ही नहीं कि मैं कौन सी लेके आ रहा हूँ, मेरे पास डोमिनर भी है, इनफील्ड भी है, ऑल तो उसको डोमिनर पसंद है, बट मैं आज इनफील्ड लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है बुलेट पे लड़कियाँ ज़्यादा सूट करती हैं। तो देखते हैं अभी कि कैसे कैसे आज का प्लान होता है, क्या क्या खाएंगे पियेंगे, बट वो तो पता नहीं। और जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये मैं कब व्लॉग अपलोड करूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी शूट किया था स्मृति के साथ, तो बस अपनी मेमोरीज़ के लिए शूट कर रहा हूँ, अगर मौका मिला लाइफ में तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगा। चलो अभी वो जीवल पे खड़ी है और फटाफट जाते हैं, एक्चुअली मैं लेट हो गया हूँ, और फिर आपको बताइए लड़कियाँ क्या करती हैं अगर लड़का लेट हो जाए। लेट्स गो। हाँ एक सेकंड, हेलमेट पहनो पहले, यहाँ पे पुलिस वाले यहीं हैं। अरे तो यहाँ पे खड़े रहते ना ये, पक्का? अरे मैं बता रहा हूँ खड़े रहते, यहाँ पे पहन लो, आगे उतार देना, ये देख खड़े हैं ना, ये रोक लेते अभी। अरे रोकते, मैं बता रहा हूँ लड़के, अरे पहनती है दुनिया, यहाँ पे अलाउड वो हो गया, और इनके मूड पर है, ये कभी भी रोक सकते हैं फिर, क्योंकि टेक्निकली तो चलान है ये। विक्रम चौक पे रुका, विक्रम चौक पे लाइटों पे रुका था, साथ में एक गाड़ी थी, दो लड़कियां बैठी थी, ऐसे घूर रही है मेरे को, पता नहीं क्या होगा। जबकि मैंने तो अभी हेलमेट पहना थी, शक्ल भी नहीं दिख रही। तुम्हें मुश्किल हो रही बैठने में, तो फिर ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो बहुत ही स्लो है, तभी तो टाइम लग गया इतना आने में। अरे यार तुम, वही है ना, इसीलिए जल्दी आ रहा था कि तुम्हें वेट ना करना पड़े, मेरे को अच्छा नहीं लगता तुम सबके सामने ऐसे खड़ी हो। बंदा कैसे देख रहा है। एक तरफ का लगा ले। अरे तुम बात कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त था, वो इतना सूखा सा था, उसने ये थंडरबर्ड ले ली थी। अब वैसे ही रॉयल एनफील्ड जो चलाता है वो चौड़ा होना चाहिए बंदा,
तो उस पर सूट लगती है, और इस पे तो और ही बॉडी मतलब थोड़ा मस्कुलर सी लगनी चाहिए बॉडी। वो इतना अच्छा लगता था ना इसको चलाता था ऐसे मेरे को उसने बेचारे ने बाइक बेच दी। फिर कह रहा है मेरे को तू नहीं, मेरे को ऑफिस के भी सब लोग यही बोलते हैं क्या ले लिया, ऐसे लग रहा है बाइक तेरे को चला रही है। यार कितना ग्रीन लग रहा है यार आज। इसी रोड से तो लद्दाख गया था इसी बाइक पे। शिमर लगा एक बार गाना लगा भाई, मजा आएगा भाई। लगा लगा मैं बताता हूँ कौन सा, करो ऑन करो मैं बताता हूँ। नैना ना जोड़े, एक तरफ लगा एक तरफ नहीं। अबे मैंने ले लिया प्रीमियम, अरे वन मंथ फ्री ट्रायल ले ले, उसके बाद मैं करवा दूंगा। एक तरफ ओपन है ना, अब फील करना मौसम को। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो। Feeling in my bones, hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it इतनी रेड रेड क्यों है? अरे यार कल की वीडियो बहुत सही है। कल की या अभी वाली जो देखी तूने? अरे मतलब कल सुबह अपलोड हो गया। तो ऐसे क्यों मतलब इमोशनल क्यों हो गई? यार अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या फायदा लाइफ का, है ना? जिंदगी थी जी, ये नहीं पता था कि नो वर्ड्स। अब शूट क्यों कर रहे हो? अजी तेरा एक्सप्रेशन, तूने अचानक से लैपटॉप खोल के देख रही थी ना कल वाला वीडियो, मैंने कहा चल तेरा एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करता हूँ, है ना? मस्त मस्त था ना ये व्लॉग? अरे मात्र पागल क्यूट लिटिल सिंधी रो रही है, देखो यार ये व्लॉग देख। मेरे को आपने दिखाया नहीं ना कभी ये? ना तेरे को नहीं दिखाया था, बस ऐसे ही दिखा देते थोड़े थोड़े। अब ये प्रॉपर एडिटिंग करके देखा ना इसलिए अच्छा लग रहा है। आ जा एंड करते हैं व्लॉग, आ जा। सो आज का ये इमोशनल व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। इमोशनल लिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरी एडिटिंग अच्छी है, एडिटिंग अच्छी थी ना। जो दिल से देखेगा उसको सही लगेगा,
जो नहीं देखेगा उसको लगेगा कि यार। तो ये आपको ना ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना चाहिए, तभी आप इस हमारे इमोशंस को समझ पाओगे, है ना। अगर आपने ये पूरा व्लॉग देखा होगा ना तो आपको वो चीज़ फील हो रही होगी, मतलब मे भी शायद आप लोगों के साथ हुई मतलब हमें थोड़ा ना पता था तब हमारी शादी हो जाएगी या हम ये कभी ऐसे अपलोड करेंगे। तो ऐसा लगता था कि हम जस्ट शूट करते हैं और ये मेरे को तो लगा था ये डिलीट कर देंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जिस हालत आ गई थी एक बार डिलीट करने की आएगा बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, डिलीट मारा नहीं तो ये जख्म पूरी उम्र रहेंगे मेरे साथ और इसके साथ। हम तो मैं सच बता रहा हूँ ये वाला व्लॉग नहीं, ये जितने भी मैंने रिकॉर्डिंग की हैं इसकी और मेरी, मतलब मैंने इसको कभी नहीं दिखाई थी। और एक्चुअली में एक टाइम ऐसा था कि जब मैं हम दोनों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे तो मैं ये डिलीट करने वाला था और मैंने इसके साथ डिलीट किया भी था, बट वो कंट्रोल डिलीट मारा था, शिफ्ट डिलीट नहीं मारा था। There is a lot of difference. तो मुझे नहीं पता था ना। तेरे सामने कंट्रोल डिलीट मारा था, तो वो रिसाइकल बिन में चला गया, रिसाइकल बिन में फिर स्टोर कर लिया मैंने। यहाँ से खेला मैंने इसको, होता है अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। अरे बहुत चीज़ें यार, छोड़ो यार हमको क्या क्या अभी बताए। सो विद दैट सेड गाइस, आज का व्लॉग यही रखते हैं। आपको हमने एक छोटा सा चैलेंज दिया, 500 कमेंट जरूर करना, अगर करोगे तभी हम व्लॉग्स। यार 100 के प्लीज करवा दो। हाँ यार 92 पहुंचने वाले हैं, 100 के करवाओ, 1 लाख करवाओ। ज्यादा शेयर करो वीडियो, अच्छा लगता है वो शेयर करो, बाकी वीडियोज भी देखो, बाकी वीडियोज भी बहुत अच्छी है। फालतू कॉन्टेंट कोशिश कर रहे हैं कि नहीं डाले, तभी मेहनत करके बाहर जाते हैं इतनी गर्मी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम जाते हैं, आज मानसर गए, मानसर का व्लॉग प्रॉब्ली नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ही होगा, नेक्स्ट ही होगा। तो जरूर देखना यार सारे लोग, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आज जो हुआ भाई, आज जो काउंट हुआ हमारे साथ भाई, ये छोड़ो यार वो नेक्स्ट व्लॉग में जाएंगे, बट आज के लिए इस व्लॉग को एंड करने का समय आ गया। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइट 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 सेफ राइट हैप्पी राइट कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खाओ पी मजे करो ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो, इस लाइफ में जो करना है आप करो। हमारी राइडिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, अगर आपने हमारे राइडिंग के व्लॉग्स नहीं देखे, चिंका वैली का व्लॉग, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज वाला ब्लॉग, उसमें हमने राइडिंग की थी, तो आप वो भी देखो। सो दैट आपको ये आइडिया लगे कि जब हम अभी ट्रैवलिंग के लिए निकलने वाले हैं, प्रॉब्ली लद्दाख या फिर उत्तराखंड या जो भी है, अभी फाइनल प्लान नहीं हुआ, शायद एक छोटी राइड भी हम करें हिमाचल में, तो वो जो भी होगा आप वो भी देखना। सो दैट हमें ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पुराने ब्लॉग्स ही आप देख रहे हो, सिर्फ नए ना देखो, है ना। अभी हम चाहते हैं कि हमको ट्रैवलिंग से, क्योंकि हम लोग जुड़े थे ट्रैवलिंग से और बाइक से, तो हम इसलिए वही चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। एक्जैक्टली। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग देखना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा आपको। बाय 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 स्मृति। स्मृति को सब लोग बोलते हैं बहुत क्यूट है, क्यूटनेस दिखाना, 1 2 3 टेंटेड इन करना, नहीं एक बार 10 बाय, एक बार 10 to make something right, make up for what I